हम यहाँ पर आए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे, टर्मिनल वन। हम आ चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल वन पर, और यहाँ पर एंट्री गेट पर हमारा आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, और ये आइडेंटिटी कार्ड चेक करके ही हमें अंदर एंट्री दी जाएगी। आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे हम अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसा कोई भी कार्ड दिखा सकते हैं। और अंदर आने पर हमें माहौल काफ़ी अच्छा मिलेगा, सारे एयरलाइंस काउंटर काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ पर जाकर हम अपना बोर्डिंग पास इशू करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर कियोस्क मशीन्स भी हैं जहाँ पर जाकर हम अपना फ़्लाइट टिकट दिखाकर उसका बारकोड दिखाकर वहाँ से हम प्रिंट ले सकते हैं। काफ़ी अपग्रेडेड मशीन्स हैं यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले। बड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट बट ये छोटा है, बट स्टिल यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अपग्रेडेड हैं। और यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे सिक्योरिटी चेकिंग एरिया की तरफ। मैं बता दूँ, सिक्योरिटी चेकिंग एरिया लेफ्ट साइड जाकर और आपको वन फ्लोर ऊपर है, यानी कि एक फ्लोर ऊपर जाना होगा जहाँ पर हम सिक्योरिटी चेक करवाएंगे, और उसके बाद डिपार्चर गेट्स की तरफ जाएंगे। हाँ, पर एक और बात है, मैं आपको बताने वाला हूं कि सिक्योरिटी चेक और डिपार्चर गेट्स के बीच में जो आते हैं लॉन्जेस, हम वहां पर भी जाने वाले हैं। हम वहां पे भी आपको बताएंगे कि लॉन्च में ठहरने का कितना फायदा है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कोई प्लेटिना या ऐसे कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो आप वहां पर दिखाकर मात्र कुछ रुपए में, एक रुपए या दो रुपए में आप कटवाकर, बिल कटवाकर आप वहां से आराम से वफ़े का मज़ा ले सकते हैं और सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपके पास अगर 2-3 घंटे हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो अब हम सीधा जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग एरिया की तरफ, और आपको मैं दिखाता हूं कि कैसा है बेंगलोर एयरपोर्ट अंदर से। देखिए, सारा इस वक्त भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, यहाँ पर उतनी भीड़ इस वक्त तो नहीं है। होपफुल कि बाकी दिन भी ऐसा ही हाल, मतलब ऐसा ही होता हो कि वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा ना होती। और यहाँ पर अब हम चेक करवा रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी चेकिंग एरिया के लिए भी हमें बारकोड दिखाना पड़ रहा है, तभी हम अंदर एंट्री ले पा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग एरिया में। देखिए, ये और मेरा सिक्योरिटी चेक हो, अब सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ जाऊँगा। यहाँ पर हमें कुछ अपने जो भी हमारे सामान है वो उतार कर रखना पड़ेगा। हमारी बेल्ट तक उतरवा लेते हैं, हाँ पैंट टंगी रहने दे देते हैं, पर बेल्ट उतरवा लेते हैं। यहाँ पे सारी चेकिंग हो चुकी है इस वक्त, वहाँ पे लोग चेकिंग करवा के आ रहे हैं। मैं इस वक्त अंदर आ चुका हूँ, और अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे लॉन्च की तरफ। सिक्योरिटी चेक में ये कुछ सामान होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान से लाना, क्योंकि आपको वो सामान डस्टबिन में डालकर जाना पड़ेगा अगर वो सामान अलाउड नहीं किया जाता। तो आप पहले ही लिस्ट ध्यान से देख लें कि क्या क्या फ़्लाइट में आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और ये सारा एरिया है सिक्योरिटी चेकिंग एरिया है। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे लॉन्च की तरफ। ये देखिए, बीच में ये शॉप्स आ रही हैं, काफ़ी अच्छे आउटलेट्स खुले हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। एक बात तो है कि एयरपोर्ट पर ब्रांड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, और यहाँ पर सिटिंग एरिया भी काफ़ी है। यहाँ पर आप आराम से बैठ के, सोफेस लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे माहौल है। यहाँ पे खाने की भी शॉप्स हैं, और पढ़ने के लिए यहाँ पे न्यूज़पेपर भी है, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं निकाल के। वहाँ पे आगे कुछ उस तरफ राइट साइड वहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं, लेफ़्ट साइड यहाँ पे शॉप्स है, आप शॉपिंग करना चाहते हो शॉपिंग कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए अगर आपके पास टाइम है फ़्लाइट पकड़ने से पहले। और अब हम सीधा जा रहे हैं लॉन्च की तरफ। देखिए, सामने बोर्ड भी बताया जा रहा है कि लॉन्च बिल्कुल आगे है, सामने है, और लेफ्ट साइड आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे सीटिंग एरिया वैसे ही बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे आप आराम से जाकर बैठ सकते हैं। जैसे कि मेरा फ्रेंड ये बिल्कुल लेट रहा है, एकदम लेटने के मूड में आया, और ये मैं भी लेट चुका हूँ इस वक्त। मज़ेदार है, टाइम पास करने के लिए अच्छा है यहाँ। भाई, कार्ड्स डिफरेंट टाइप के, आपके अलग अलग कार्ड है तो उसके लिए डोमेस्टिक लॉन्जेस अलग अलग हैं। यहाँ पे आपको, जैसे मेरा कार्ड सिग्नेचर कार्ड है तो उसके लिए मुझे अलग लॉन्च में भेजा गया है। भाई, एक काम तो बढ़िया हो गया, ऊपर वाले लॉन्च में मेरा कार्ड स्वाइप हो गया, और अब मैंने उनसे कहा है कि क्या मैं नीचे जा सकता हूँ इसी कार्ड पे, तो उन्होंने कहा कि कस्टमर कॉपी आप यूज़ करके नीचे जा सकते हो, मतलब कस्टमर कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आप उसको शो कीजिए और लॉन्च के अंदर जाइए। सो लेट्स सी, पहली बार जा रहा हूँ, आप भी देखिएगा लॉन्च के अंदर। प्लेन का एरिया तो अमन जी, एक मिनट एक सेकंड, अभी मैं ये एरिया दिखा लेने दो, ये नीचे खाने का है एकदम। हाय गाइस, ये वीडियो मैं उनके लिए बनाने वाला हूँ जो पहली बार फ्लाइट लेने वाले हैं, और हम यहाँ पर आए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे, टर्मिनल वन।
जो कि बहुत ही मतलब जिस मतलब कि फेमस भी है और इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये बात आपको जो ध्यान रखनी है। सही बात है। और जो पहली बार फ्लाइट ले रहे हैं वो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे उनके लिए रूल्स यानी कि चेकिंग पॉइंट क्लियरेंस लेना बहुत ही ईजी हो गया अब कोरोना के बाद। जगह जगह इतने सारे क्योस्क खुल गए हैं जिनके पास सिंगल लगेज है, कैरी बैग लेके जा रहे हैं फ्लाइट में 7 kg तक मतलब जैसे अलाउड है वो सिंगल बैग वो लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एयरपोर्ट के बाहर क्योस्क लगे हुए हैं, जो बैग टैग होते हैं कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसकी भी बैग टैग लेने की भी अब जरूरत नहीं है अगर उनके पास हैवी लगेज नहीं है। और ठीक है, जैसे ही आप जाते हो एयरपोर्ट के पास गेट के पास ही क्योस्क है, वहाँ पर आप अपनी टिकट का जो बार कोड है वो दिखा के बोर्डिंग पास प्रिंट ले सकते हैं क्योस्क मशीन से ही। बहुत ही इजी वे बनाया गया, बहुत इजी वे बनाया गया सही में। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो स्कैन करें और टैग से अपना नंबर दबाना भी नहीं पड़ता, तो बड़ा इजी है। हाँ, अदरवाइज अगर स्कैनर नहीं है तो आप PNR नंबर डालें, आपकी टिकट्स आपके बोर्डिंग पास वहीं पर ही प्रिंट आउट हो जाएंगे। उसके बाद आप जैसे ही अंदर एंट्री गेट पर पहुँचते हैं वो आपसे एक आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। अगर बता दूँ आधार कार्ड ऐसा है कि वो आप मोबाइल पर भी दिखा सकते हैं सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, बट उसके अलावा अगर और कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी ही दिखानी पड़ेगी। इंडियन ओके। पासपोर्ट की कॉपी वो हार्ड मतलब पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो मोबाइल से या सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी उसकी। कृपया प्लीज़ कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली। इसके बाद हम एंट्री कर लेते हैं बड़े आराम से। फिर एंट्री करने के बाद आप थोड़ा लेफ्ट में जाके डिपार्चर के लिए आप सिक्योरिटी चेक एरिया में पहुँचते हैं। जैसे ही सिक्योरिटी चेक एरिया में पहुँचते हैं आपके बेल्ट उतार ली जाती है, आपका सब कुछ जैकेट पर सब कुछ निकाल के आपको चेकिंग करनी होती है। वो भी बड़ा ऊपर की जैकेट भी, हाँ ऊपर की जैकेट भी उतारनी पड़ती है, एक मतलब टी शर्ट हो या स्वेटर हो वो आप पहन के आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये सियाचिन के लिए जो उनके कुछ ना क्राइटेरिया है, हाँ इसकी वजह से ऐसा करना पड़ता है। सही बात है, उनका क्राइटेरिया है, कोई वैसे जैकेट का कुछ मतलब तो बनता नहीं है कि स्वेटर पहने रखो और जैकेट उतारो, पर वो कहते हैं तो करना ही पड़ेगा। ओके ओके। भाई लोगों, जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक एरिया क्लियर करते हो आपको टाइम है, जैसे आपके पास 2 या 3 घंटे फ्लाइट में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप क्रेडिट कार्ड कोई भी यूज़ कर रहे हो प्लैटिनम हो चाहे वो सिग्नेचर हो या ऐसी कुछ भी हो। देखिए मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, अगर आपके पास ये कार्ड है IDFC का सिग्नेचर, इसके यहाँ पर सिग्नेचर लिखा होगा वीज़ा, तो आप यहाँ मास्टर कार्ड भी हो सकता है। यस यस यस, तो आप अपने यहाँ की जो लॉन्च है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं मात्र ₹2। और कई जगह तो ₹1 चार्ज है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ओनली ₹2 एंड फुल डाइट यू कैन टेक इट। पूरा खाना पेट भर के खाइए, आराम से टाइम यहाँ पे स्पेंड कीजिए, चाय कॉफ़ी सब कुछ मिलेगा। ये देखिए सीट्स आर टू गुड, आराम से बैठकर आप सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं ऑल अराउंड। उसके बाद गेट्स जो आते हैं बैंगलोर एयरपोर्ट के, स्पेशली बैंगलोर एयरपोर्ट को माइंड में रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि गेट्स बहुत ही नज़दीक है। दिल्ली टर्मिनल 3 पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो गेट्स हैं ना जहाँ से फ्लाइट पकड़नी होती है वो बहुत दूर दूर है, आपको काफ़ी वॉक करना पड़ता है, पर यहाँ पर बिल्कुल पास है। आप यहाँ लॉन्च से निकलोगे आपको गेट नंबर 8 भी दिखाई देगा, 16 भी, 15 भी, सब बिल्कुल नज़दीक में ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पर मैं बता दूँ टर्मिनल 3 से बड़ा है लॉन्च एरिया। और बड़ा रश भी बिल्कुल नहीं था, हम लोगों ने जब एंट्री लॉन्च में करी थी मात्र 2 मिनट्स। सही बात है, जो वेटिंग टाइम है यहाँ पे मुश्किल 5 to 10 minutes था, जबकि टर्मिनल 3 पे हमें वेटिंग टाइम अराउंड 30 to 45 minutes लगा। यस यस यस, बहुत ही मतलब इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए भी वहाँ पे जो रस है मुझे बड़ा बिलीव नहीं होता है। यस हाँ। तो मैं पहले अमन जी आपको बता दूँ कि आप लोगों ने दिल्ली की बस और हमारे बैंगलोर की बस में कितना डिफरेंस होता है, आज आपको अमन जी बताएंगे। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने की तरफ देखेंगे, व्हाट अ लुक यार, बिल्कुल स्पेसियस है, स्पेशियस खड़े होने के लिए, भी सामान इसमें रखे हैं आप, एसी और बैक, सीट्स कम है, खड़े होने के लिए स्पेस ज़्यादा है बट स्पेशियस है। नहीं खड़े होने के लिए होना भी चाहिए, और कुछ ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे आपको प्लेन तक पहुँचने में। बट थिंग इज दैट के अंदर का स्ट्रक्चर जो बस का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, स्पेशियस है और वाइडनेस मोर वाइडनेस देन दिल्ली ट्रांसपोर्ट। अगर एक्चुअली कहा जाए तो ये है लोअर लोअर क्या कहते हैं लोअर पोर्शन ऑफ द बस, लो फ्लोर बस। यस क्योंकि बाकी जो मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे है वो सारी पीछे से जाके अप हो जाती है, ऊपर हो जाती है, वहाँ पे आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है अगर आप देखेंगे, तो उनके लिए भी बहुत ईजी है जो व्हील चेयर पर आते हैं या जिनको थोड़ा सा चलने में हल्की सी प्रॉब्लम है। ये बाकी का बाहर का भी सीन दिखाती है, कैसे लाइन से सारा काम होता है, एक लेन बनी होती है इन लोगों की। देखिए ये एक लेन है, आ रही है गाड़ियों के पीछे, एक ही लेन है, लेन मतलब जो गाड़ियों के लिए लेन अलग है, जो वर्किंग है जैसे कुछ भी है पंप्स वगैरह मतलब अलग अलग मशीन होंगी, वो डोंट नो किस काम के लिए आते हैं,
बट हर एक के लिए लेन स्पेसिफाइड है। और प्लेन्स के लिए जो है उनके लिए एरिया स्पेसिफाइड है और वहीं से ही वो चलते हैं, मतलब देखिए जैसे ये आप सामने देख रहे होंगे इंडिगो का, ये इंडिगो का प्लेन है, इसका साथ टनल के साथ ही अटैच है, तो सीधा ही यहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर वो डिपार्चर के लिए प्लेन में लोग जा रहे हैं। अब हमारा जो प्लेन है वो थोड़ा दूर हैंगर है, मतलब थोड़ा दूर खड़ा है, तो वहाँ पर हमें बस लेके जा रही है। कुछ ऐड करेंगे? नहीं बस बाकी हम एक कहते थे कि बसें देखो दिल्ली और एक बैंगलोर सिटी में कितना डिफरेंस होता है। वही दिल्ली बसें की डीटीसी बसें जो हैं ज़्यादातर डीटीसी बसें लगी हैं साइकिल स्टॉप, तो उसके अंदर इतना मतलब स्पेस नहीं है, और वहाँ पर आप अगर अंदर घुसेंगे तो सीधा आपकी बैठने की सीट ज़्यादा है और सामान रखने की सीटें कम है, खड़े होने का स्पेस ही नहीं है। बिल्कुल सही, तो ये उन्होंने इसको सबको ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के हिसाब से बनाया पूरा। सही, तो जो भी लोग बैंगलोर एयरपोर्ट से पहली बार फ्लाइट लेने जा रहे हैं तो उनके लिए बता दूं बहुत ही इजी है और बहुत ही आराम है, आरामदायक है। मुझे लगता है कि दिल्ली एयरपोर्ट से ज़्यादा आरामदायक है यहाँ पे फ्लाइट लेना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, डिस्टेंस नहीं है इतना। अभी हम 10 मिनट पहले लॉन्च में थे सर, हाँ, और देखिए 5 मिनट के अंदर हमारा होगा क्या कह रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट बड़ा है तो उसके कारण डिस्टेंस बड़ा है, आपको दूर दूर जाके वो क्लियरेंस के लिए चेक पॉइंट दूर दूर है, लॉन्च भी दूर है, हर एक के लिए काफ़ी ट्रैवल चल के जाना पड़ता है। सही में हमारी फ़्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली है, और यहाँ पे अगर हम पीछे देखें तो कितनी ही फ्लाइट्स हैं जो हमारी लाइन में लगी हुई हैं। बिल्कुल हमारे पास, हमारे बाद 3 प्लेन्स हैं जो कि फ़्लाइट लेने वाले हैं, और कितना बढ़िया लग रहा है यार। देखिए सीट के ऊपर आपको एसी के 3 स्विचेस मिलेंगे, आप किसी हर एक सीट के लिए एक एक स्विच है एसी का, आप इसको रोल कीजिए जस्ट लाइक आप फ़ैन को तेज़ या कम करते हैं अपने फ़ैन को, वैसे ही एसी की हवा तेज़ या कम कर सकते हैं इसे राइट या लेफ़्ट घुमाकर। वैसे अंदर वैसे ही ठंडक काफ़ी होती है, और इसको अगर एडिशनल आपको स्पेशली अपने लिए अगर कुछ एसी की हवा चाहिए ठंडी ठंडी तो वो कर सकते हैं, और ये बटन इससे आप लाइट ऑन कर सकते हैं, और कुछ पढ़ना चाहते हैं कोई भी बुक्स वगैरह रात को फ्लाइट ले रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या कहते हैं एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ट को बुलाने के लिए भी बटन है अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है दिल्ली एयरपोर्ट पर, और मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कैसा लगता है व्यू। हल्का सा धुंधलापन है हवा में और धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम नज़दीक पहुँचते जाएंगे, नीचे होते जाएंगे, और इस वक्त हम काफ़ी नीचे होती जा रही है हाइट, प्लेन की सेकंड्स में हाइट कम हो रही है, और इतना बढ़िया लग रहा है माहौल। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको सारी बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, ये मुझे लग रहा है आई थिंक गुड़गांव साइड वगैरह कोई एरिया होगा जो ये दिख रहा है, इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, फील्ड्स नज़र आ रहे हैं, सिटी नज़र आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड, अब पता चल रहा है कितनी स्पीड से जहाज़ नीचे जा रहा है लैंड करने के लिए।